गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज द अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एंड व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर दैट इज द अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, वी से दैट व्हाट आर द अल्कोहल्स। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि इस चैप्टर में तीनों अल्कोहल फिनॉल और ईथर को अलग अलग स्टडी करना है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अल्कोहल्स, एंड वी से that alcohols are those of the substances which contains hydroxyl group on the saturated carbon. वो organic system जो saturated carbon पे hydroxyl group रखता है, that is called the alcohol. For example, if this is the compound CH3COH double bond CH2, या फिर ये compound benzene के ऊपर OH, या फिर ये कंपाउंड यहां पे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पे OH, अगर हम पूछें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल, तो बता सकते हैं। हम कहते हैं द कंपाउंड, एक और यहां पे ले लेते हैं KOH। नॉर्मली हमारे दिमाग में रहता है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जिसके पास OH होगा, दैट विल बी एन अल्कोहल। और उससे ज्यादा भी बच्चों के दिमाग में रहता है अल्कोहल मीन्स वाइन, अल्कोहल डज नॉट मीन्स द वाइन एट ऑल। वाइन भी एक तरह का अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल डज नॉट मीन द वाइन्स ओनली। अब यहां पे अगर हम देखें विच वन इज अल्कोहल, द फर्स्ट वन KOH, हमने क्या कहा द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इट इज नॉट एन अल्कोहल। नाउ द रिमेनिंग थ्री आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें से कौन सा अल्कोहल है या कौन सा अल्कोहल नहीं है। स्टेटमेंट अगर पूरा पढ़े तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सैचुरेटेड कार्बन। क्या ये सैचुरेटेड कार्बन है? सैचुरेटेड कार्बन मतलब कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, जो भी बॉन्ड्स हैं वो सब सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, बट हियर इज अ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, सो दिस इज नॉट एन अल्कोहल। अगेन इसके केस में देखिए, यहां देखिए डबल बॉन्ड है, इट इज ऑल्सो नॉट एन अल्कोहल, एंड सेम इन दिस केस, हियर इज अ डबल बॉन्ड, इट इज ऑल्सो नॉट एन अल्कोहल। सो दीज आर द कंपाउंड्स आर नॉट अल्कोहल। अल्कोहल कब होगा? व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी ऑन द सैचुरेटेड कार्बन, यानी ये कंपाउंड ये अल्कोहल है, क्योंकि यहां पे कार्बन 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 है, ऑक्सीजन बॉन्ड जो है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सो दिस इज एन अल्कोहल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्कोहल नहीं कह सकते, व्हाट इज द रीजन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द अनसैचुरेटेड कार्बन आर नॉट कंसिडर्ड एज एन अल्कोहल। अब इसके लिए हम देखते हैं, अब इसके लिए हम देखते हैं, तो यहां पे ये देखिए कंपाउंड है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो गया CH3COH डबल बॉन्ड एंड CH2। इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो ये एक बॉन्ड है जो यहां शिफ्ट होता है, और ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। अब इससे होगा क्या, जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो यह बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा ये बन गया सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज करके ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हो गया निगेटिवली चार्ज, और ऐसा होने पे ये पॉजिटिव चार्ज सिस्टम इस निगेटिवली चार्ज कार्बन पे आएगा और ये बना लेगा CH3। और फिर से क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट किया, क्या बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये वाला यहां से यहां शिफ्ट किया, ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इस पे निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर मिलके ये बन गया, यानी दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, कीटोन, और कीटोन के पहले चार लेटर्स ले लें तो हम इसे कहेंगे कीटो, और ये क्या है डबल बॉन्ड इन एल्कोहल ऑल, हो गया कीटो इनॉल, और इस तरह से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट, दो अलग अलग फंक्शन को एक साथ सर्वाइव करें, इंटर कन्वर्ट होता रहे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, देन दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्लियर, देन दिस इज द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो और इनॉल आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एंड यू नो वेल दैट दिस कीटो प्रॉपर्टीज आर डोमिनेंट ओवर द इनॉल प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा कह सकते हैं दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं,
वो सारे सारे कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म देते हैं और उन्हें कभी भी हम एल्कोहल की कैटेगरी में नहीं लाते। वो किस कैटेगरी में आते हैं? दे आर इन द कैटेगरी ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज ऑफ द कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द अनसेचुरेटेड कार्बन आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एल्कोहल। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनसेचुरेटेड कार्बन पे होता है वो एल्कोहल नहीं बोला जाता, क्योंकि वो कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म देता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी देने लगता है, ना कि एल्कोहल की प्रॉपर्टी। और इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखते। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एल्कोहल, हाउ मेनी टाइप ऑफ एल्कोहल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे अगर हम एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करें तो कितने तरह के एल्कोहल्स होते हैं? तो सबसे पहले तरह का एल्कोहल बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, एन एल्कोहल हैविंग वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, यानी फॉर एग्जाम्पल ये है आपका CH3CH2OH, देखिए सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, सिर्फ यहां पे ये है। तो अगर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। प्रॉपर डिफिनेशन वर्ड वाइज बोले हम कहेंगे द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरिंग अ सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओवर इट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। जो दूसरे तरह का एल्कोहल है ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। यानी दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये है आपका CH2OH एंड CH2OH, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, इस वजह से इसे बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। और जैसे ये दो लगातार कार्बन पे लगे हुए हैं, कॉन्जिगेटिव कार्बन पे लगे हुए हैं, अगर दो लगातार या कॉन्जिगेटिव कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं तो ऐसे एल्कोहल्स को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ये कंपाउंड IUPAC नेम से कहें तो इसे कहते हैं एथेन 1,2-diol, अदरवाइज इसे एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। इस कंपाउंड को एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। ये जितने भी कूलेंट्स हैं, कूलेंट का एक मेजर पोर्शन होता है, तो यहां पे कूलेंट की तरह यूज किया जाता है, एज वेल एज दैट इज यूज एज अ एंटी फ्रिज एजेंट। फ्रीजिंग ना हो उसके लिए इसे यूज किया जाता है एंटी फ्रिज एजेंट के फॉर्म में। आप सबको पढ़ाया था जब सोल्यूशन चैप्टर, तो सोल्यूशन चैप्टर में आपको बताया गया था कि वो सारे कंपाउंड जिनका कह सकते हैं नॉन वोलाटाइल कंपाउंड जब हम सोल्यूशन में मिलाते हैं तो ऐसा करने पर जो सोल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, यानी आसानी से वो फ्रिज नहीं होता, लोअर टेम्परेचर पर जाके फ्रिज होता है। तो विदेशों में जहां पर टेम्परेचर लो होता है वहां पे आपको एंटी फ्रिज सोल्यूशन डालना पड़ता है, जिससे कि पानी या फिर जो भी आप फ्लूइड डाल रहे हैं अपनी गाड़ी को ठंडा करने के लिए वो जम न जाए। जम जाएगा तो क्या होगा, वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो जब जमेगा आइस बनेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेंसिटी कम होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास तो वेरी करेगा नहीं, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या करेगा, जो मेटल का पोर्शन है उसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो रबर के पोर्शन है, रबर की पाइप है, उन्हें फाड़ के बाहर निकल जाएगा। इस वजह से हमें इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल या एंटी फ्रिज एजेंट डालना पड़ता है। और तीसरे तरह का एल्कोहल है जिसे हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। जिसके पास तीन तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हों, ये है आपका CH2OH, CH OH एंड CH2OH, देख सकते हैं एक दो और तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं। जैसे पिछली बार दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो लगातार कार्बन पे कॉन्जिगेटिव कार्बन पे लगे थे तो हमने उसे कहा था ग्लाइकॉल, ऐसे अगर तीन लगातार कार्बन पे लगे रहें तो हम इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। और ग्लिसरीन के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, बहुत कुछ आप जानते हैं। ग्लिसरीन यूज कहाँ होता है, ग्लिसरीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, उसके अलावा माउथ अल्सर में भी यूज होता है, मुंह में छाले पड़ जाएं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी आप जाएंगे हम डॉक्टर के यहाँ, वो क्या करेंगे ग्लिसरीन दे देंगे, ग्लिसरीन के साथ एक कैप्सूल दे देंगे, दैट इज कॉल्ड द बिकासूल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और देने से आपका वो ठीक होता है।
एक्चुअली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो उसे ठीक करता नहीं, ना ही ग्लिसरीन ठीक करता है। ग्लिसरीन और बिकासोल जब मिलाते हैं तो एक हायर कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन बन जाता है, और जब हायर कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन आप मुंह के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, जो आपके मुंह में छाले पड़े हुए हैं, जो माउथ अल्सर्स हैं, उसमें जो भी इन्फेक्टेड लिक्विड हैं, वो एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू, बाहर कंसेंट्रेशन उनका ज्यादा होने की वजह से एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू छालों से निकल के मुंह में आ जाते हैं, जिसे हम बाद में निकाल देते हैं। और ऐसा बार बार करने से इन्फेक्टेड मेटेरियल जो मुंह में पड़े हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे, और जब इन्फेक्टेड मेटेरियल बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका मेटेरियल आपका मुंह जो होगा वो इन्फेक्शन फ्री हो जाएगा। बाकी का तो आपकी बॉडी खुद से करती है, चोट को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, चोट आपकी बॉडी खुद से हील कर लेती है। एंड दैट इज द वे ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द माउथ अल्सर। एंड दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द फर्स्ट वन मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, द सेकंड वन डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल, द थर्ड वन इज ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एल्कोहल्स, हाउ वी नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट विल बी द नेम, वी विल प्रैक्टिस सम ऑफ द नेम्स। नाउ इट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, किसके लिए, एल्कोहल के लिए। मैंने आपको कहा एल्कोहल और फिनॉल अलग अलग दिया हुआ है, ईथर तो बिल्कुल अलग से दिया ही हुआ है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल, और एल्कोहल का नाम कैसे दिया जाता है, दिस इज एल्कीन प्लस पोजीशन प्लस ऑल। यहां पे एल्कीन क्या है, एल की द नंबर ऑफ कार्बन, मेथ एथ प्रो ब्यूट, अगर ये मेथ एक कार्बन सिस्टम है तो मेथ की जगह क्या लिखेंगे, मेथेन, एथ की जगह क्या लिखेंगे, एथेन, प्रोप की जगह क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्लस पोजीशन यानी कहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, प्लस ऑल। अगर मैं एक सबसे छोटे कंपाउंड से शुरू करूं, दिस इज द CH3OH, ये सबसे छोटा एल्कोहल है, इससे छोटा तो कोई एल्कोहल होता नहीं। अगर इस एल्कोहल से शुरू करूं तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक कार्बन, और एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, ये हो गया आपका मेथेन, प्लस पोजीशन। अब यहाँ पे एक कार्बन के सिस्टम में पोजीशन देने की तो कोई बात बनती नहीं है, हम यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं करते हैं। नाउ ऑल, ये क्या हो गया, मेथेनॉल, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, ये है आपका CH3, CH, OH एंड CH3। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, यानी थ्री कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन। अब नंबरिंग किधर से शुरू करें, जहां से मैंने नंबरिंग ऑलरेडी कर दिया सही है, या अपोजिट साइड से करें, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द लीस्ट काउंट रूल, जहां से काउंटिंग लीस्ट आएगी, जहां से काउंटिंग सबसे छोटी आएगी, वहां से ही हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। अगर हम यहां से करें, यह है 1, 2 पोजीशन पे, यहां से करें तो 1, 2 पोजीशन पे, यानी कहीं से करिए कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। और अगर ऐसा है तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्रोपेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां लगा है, पोजीशन नंबर 2 पे, सो इट इज प्रोपेन 2। अल्फाबेट और न्यूमर के बीच में हाइफन यूज करते हैं, और न्यूमर और न्यूमर के बीच में कॉमा, अदरवाइज इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ये हो गया प्रोपेन 2 प्लस ऑल, ये है प्रोपेन 2 ऑल। एक और कंपाउंड देखते हैं, दैट इज द CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, दो कार्बन का सिस्टम है जिसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले दो कार्बन का सिस्टम, यही हम सबसे पहले लिखेंगे ना, नंबर ऑफ कार्बन, ये दो कार्बन का सिस्टम हो गया एथेन। कहां कहां पे और लगा हुआ है, पोजीशन नंबर 1 पे भी लगा है, पोजीशन नंबर 2 पे भी लगा है, तो हम लिख देते हैं 1, 2। और कितने और लगे हैं, दो और लगे हैं, तो हम इसे बोलेंगे डाईऑल, एथेन 1, 2 डाईऑल, ठीक है। तो ये तो है आपका नॉमेनक्लेचर। अगर हम कोई और कंपाउंड लेते हैं, ये है आपका कंपाउंड, ये है OH, यहां पे है आपका डबल बॉन्ड। अब देखिए
यहां से नंबरिंग 1-2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से 1-2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रॉम विच ऑफ द डायरेक्शन वी विल गो फॉर द नंबरिंग। श्योरली इसके लिए हम प्रायोरिटी देखेंगे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी एल्कोहलिक ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, सो द नंबर विल बी फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ द एल्कोहल। अब नंबरिंग करते हैं, ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है, तो सीधे पहले चेन पे आएंगे। और कितने नंबर का, कितने कार्बन का चेन है, देयर आर टोटल 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंटेन। कहां पे इन है, अब इन और ऑल में किसको पहले लगाएंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी। और अभी अभी मैंने कहा हाइड्रोक्सिल की प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी एल्कीन की प्रायोरिटी कम होगी। और अगर ऐसा है तो ये हो गया पेंटेन 3-ईन। अब यहां पे देखिए ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम 3 देंगे नंबर या 4 देंगे, इनमें से जो स्मॉलर नंबर होगा, 3 और 4 में से 3 स्मॉलर है, इसलिए हमने 3 दिया। ये हो गया आपका पेंटेन 3-ईन। और ऑल कहां लगा है, ऑन पोजीशन नंबर 2, 3-ईन 2 ऑल। ठीक है, एक और एक साइक्लिक सिस्टम लेते हैं, ये है आपका साइक्लिक 6 कार्बन सिस्टम जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अगर आपको क्लास 11th का याद है तो क्लास 11th में बोला जाता था कि जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा साइक्लिक सिस्टम में, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है, और अगर जहां लगा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना है तो इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है, हमेशा तो पोजीशन नंबर 1 पे ही रहेगा ना। इसीलिए कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन है, जहां से खड़ा होता है वहीं से काउंटिंग शुरू होती है। तो यहां पे लाइन यहीं से शुरू हो रही है कि पोजीशन नंबर 1 पे हैं, और अगर पोजीशन नंबर 1 पे हैं तो इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। ये आपका जो सर्कल है, जो आपका मेन चेन है, ये है आपका साइक्लिक साइक्लो, 6 कार्बन का है हेक्सीन, और साथ में एल्कोहलिक ग्रुप लगा है ऑल, देन दिस इज द साइक्लोहेक्सेनॉल।